नमस्कार दोस्तों, घोरसाना में आप सबका स्वागत है। तो कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, कई दिनों से कमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों के। जो आजकल जो 17, 18, 19 साल के जो लड़के हैं उनके बारे में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। शायद मेरा मैसेज आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँ। कभी भी वशीकरण के चक्रों में फ्रॉड बाबाओं के पास मत फंसना, अपना पैसा वेस्ट मत करना। ये मैं आप लोगों को, जो यंग जनरेशन है, जो 16-17 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, तो इन चीज़ों में ना पड़ना। हर कोई आदमी ये वर्क नहीं कर सकता, किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, और कभी भी गलत चीज़ों के द्वारा ये काम कभी भी मत करवाना। हमेशा ये काम सात्विक तरीक़ों से करवाना। सात्विक में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो वशीकरण का कार्य करती हैं। आप लोग गलत बाबाओं के चक्रों में पड़ जाते हो, पैसा ले लेते हैं आपसे, उल्टा आपकी कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब, और ज़्यादा रिश्ते आप लोगों के बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करिए। पैसा आपका है तो सही जगह इन्वेस्टमेंट करो। गलत जगह क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो? उसके बाद फिर आते हो मेरे पास, रोते हो, गुरुजी उसने मेरे इतने पैसे ले लिए, उसने मेरे इतने पैसे ले लिए। तो मुझे मत बताओ ना ये चीज़ें बच्चों, मुझे मत बताओ ये चीज़ें। आप लोग गए हो, मैं तो बार बार हर वीडियो में यही बताता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता इन चीज़ों। मैं भी करता हूँ ना, बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मैं ये कार्य करता हूँ। अगर किसी का घर बचाना हो ना, अगर किसी की रिश्ता बचाना हो, किसी की गृहस्थी को बसाना हो, तो मैं ये कार्य करता हूँ, वरना मैं ये कार्य करता ही नहीं हूँ। और आप लोग आते हो, गुरुजी हम इतने पैसे देंगे। पैसों की बात नहीं होती बच्चों, बात होती है कर्म काम करने वाले की। मैं नहीं करता ऐसे काम, और ना ही किसी के एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म होती। आप लोग अपनी स्टडी पर ध्यान दो, आप लोग अपने माँ बाप पर ध्यान दो। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आती हैं, एक हवा होती है, आती है और चली जाती है। इसके चक्कर में अपनी स्टडी को मत बर्बाद करो, अपने पैसों को मत बर्बाद करो, माँ बाप के पैसों को। अगर माँ बाप आपको स्टडी के लिए पैसा देते हैं या आपकी पॉकेट मनी के लिए आपको पैसा देते हैं, तो वो चीज़ आप इन चीज़ों में मस्त वेस्ट करो। वो वेस्ट ही जाएंगी आपकी, ठगों के पास जाओगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को मत करो। एक अच्छे पल होते हैं जो इंसान की लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो धन्यवाद। ठीक है, अपनी स्टडी पर ध्यान दो, अपने माँ बाप, कल को फ्यूचर बनेगा ना आपका, अच्छी जॉब लगोगे, अच्छा सब कुछ होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपके माँ बाप भी खुश होंगे। तो ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। आप लोगों को अभी प्यार का मतलब नहीं पता, आप एक हिप्नोटाइज्म में आ जाते हो, एक अट्रैक्शन हो जाती है आप लोगों के अंदर, तो मत करो ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग हैं पैसा लूटना जानते हैं, किसी को सही ज्ञान देना नहीं जानते। आजकल जो बाबा भी है ना, चाहे उनको काम करना क्यों ना आता हो, काम नहीं आता उनको करना, फिर भी आप लोगों से झूठ मूठ बोलकर आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, फिर आप लोगों अपनी डिटेल्स उनको दे देते हो, फिर वो आपको फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपसे 2 से 3 हज़ार रुपये ऐड़ते हैं। तो इन चंगुलों में क्यों फंसना यार, क्यों फंसना? क्या एक लड़का ज़िंदगी से चला गया तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? एक लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? अभी उम्र कितनी है तुम लोगों की? 17 से 18 साल। अभी से हार मानकर बैठ गए, आगे तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है। ज़िंदगी के साथ दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, पता नहीं कितनी मुसीबतें आएंगी ज़िंदगी में तुम्हारी, जिनके साथ तुमको लड़ना होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो और अपने माइंड को थोड़ा यूज़ किया करो। ठीक है, तो यही एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी डिटेल्स हैं, आप लोग बात करिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी एक छोटी सी जानकारी। तो धन्यवाद।